हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कानून का ज्ञान विद एस के। दोस्तों, अगरतला के डीएम साहब की एक वीडियो इतनी वायरल हो रही है कि वो नाइट कर्फ्यू का जायजा लेने के लिए एक शादी समारोह में जाते हैं और उस समारोह में एक ऐसा एक्ट कर देते हैं जो कि कानूनी रूप से बिल्कुल ही गलत देखा जा रहा है। तो क्या ऐसे केसेस में जो लोक सेवक हैं उन्हें ऐसा एक्ट शोभा देता है, तो क्या ऐसे केसेस में उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई हो सकती है? तो आज इस वीडियो से ही रिलेटेड मैं आपको लॉज बताऊंगा कि जो एक्ट उन्होंने किया है डीएम साहब ने, क्या वो सही है या गलत है। तो चलिए एक बार लॉज पर नजर डाल लेते हैं, कौन कौन से वो लॉज हैं जो गलत ठहराते हैं इस एक्ट को। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, नजर डालते हैं आज के कंटेंट पर। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर कर्फ्यू भी लगा हुआ है तब भी कोई लोक सेवक फोर्स यूज नहीं कर सकता जब तक कि ये अंदेशा ना हो कि रायटिंग होने का खतरा है या फिर जो पीस है वो बिगड़ सकती है, यानी कि झगड़े वगैरह हो सकते हैं, जब तक फोर्स यूज नहीं की जा सकती। और वैसे भी ये समारोह तो शादी का था, जिसमें जो एक्ट डीएम साहब ने किया है वो बिल्कुल ही निंदनीय है, गलत है हमारे हिसाब से। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें डीएम साहब के पास क्या पावर थी, वो क्या कर सकते हैं। पहला तो इसमें कि फोर्स तो वो बिल्कुल यूज नहीं कर सकते थे जो उन्होंने की, चाहे फोर्स थोड़ी यूज की हो या ज्यादा यूज की हो। दूसरी चीज, धारा 188 की कार्रवाई वो इसमें कर सकते थे। धारा 188 कहती है दोस्तों, डिसोबीडियंस टू द ऑर्डर ड्यूली प्रोमुलेटेड बाय द पब्लिक सर्वेंट, यानी कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट ने ऑर्डर दिया है और उसकी कोई अवमानना करता है, उसे नहीं मानता है, तो उसके ऊपर धारा 188 की कार्रवाई अधिकार है, वो जो लोक सेवक हैं वो उसके ऊपर कर सकते हैं। तो पहला काम तो था उनका कि इसमें फोर्स यूज ना करते हुए धारा 188 की कार्रवाई उन लोगों के ऊपर यूज करना जो लोग इसमें कार्य कर रहे थे कर्फ्यू के दौरान में, परमिशन के बाद भी 10 बजे के बाद में शादी समारोह कर रहे थे, ये कार्य वो कर सकते थे, ये उन्हें पावर थी। दूसरी चीज इसमें, दूसरा वो क्या कर सकते थे, दूसरा दोस्तों डीएम साहब इसमें एक कार्य ये भी कर सकते थे, एक धारा का इस्तेमाल ये भी हो सकता था कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की जो सेक्शन 51B के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते थे, क्योंकि वो एपिडेमिक डिजीज के फैलने के टाइम पर वो कार्य कर रहे थे जिससे कि जो डिजीज है उसे फैलने का खतरा बढ़ जाता है, तो ऐसे में उन लोगों को 2 साल तक की सजा हो सकती थी। ये तो रहे अधिकार डीएम साहब के अगर वो कानूनी रूप से चलते तब। अब उन्होंने सबसे पहली गलती तो की इसमें कि जो लेडी के हाथ से उन्होंने जो पेपर वगैरह थी, परमिशन थी, उसे लेकर बुरी तरह से फाड़कर फेंक दिया। सबसे पहली गलती यही है, क्योंकि आप अपने ही ऑर्डर की बेइज्जती कर रहे हैं, आप अपने ही ऑर्डर को फाड़ कर फेंक रहे हैं। अगर आप उस ऑर्डर को लेकर रख ही लेते या पहले पढ़ते, उसे समझते, तब थोड़ा सा वो सही रहता। दूसरी चीज, उन्होंने 166 IPC का जो एक्ट है उसका वायोलेशन किया, यानी कि पब्लिक सर्वेंट होते हुए और जानबूझकर उन्होंने ऐसा एक्ट किया जिससे कि इंटेंशनली किसी को हर्ट हो, चोट पहुंचे। तो पहला एक्ट तो उन्होंने यही किया, 166 IPC का उल्लंघन किया। दूसरा, 323 उन्होंने कहा पंडित जी को, खामखा उन्होंने चांटा मारा। अरे भाई, इसमें पंडित जी की क्या गलती थी, आप उनके ऊपर फोर्स क्यों यूज कर रहे थे? जैसा उन्हें बुलाया वो आ गए कार्य करने के लिए, तो पंडित जी के ऊपर जो उन्होंने हाथ उठाया वो बेहद गलत था। 323 का उन्होंने उल्लंघन किया, इसमें धारा 323 IPC का उल्लंघन किया। IPC की धारा 504 का भी उन्होंने उल्लंघन किया, जिसमें कि क्लियरली है कि अगर आप जानबूझकर किसी को इंसल्ट करते हैं तो आपके ऊपर धारा 504 की IPC की इसमें कार्रवाई हो सकती है। तो ये जो एक्ट्स थे इनके खिलाफ डीएम साहब ने इसमें शादी समारोह में जाकर कार्य किया, जो कि बिल्कुल ही गलत है। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर कोई अपनी पावर का इस तरह से मिसयूज करता है तो आम आदमी को तो अपने लॉस पता ही नहीं है, वो क्या करेगा? क्योंकि एक जो लोक सेवक है, जो डीएम है, वो सबसे बड़ी पोस्ट हो जाती है जिला लेवल की, और उन्हें तो ऐसा कार्य जो है बिल्कुल शोभा ही नहीं देता। फिर भी अगर ऐसा कार्य अगर कोई करता है, मान लीजिए अगर कोई किसी को सताता है, तो क्या आम आदमी चुप बैठ सकता है? नहीं। पहला तो इसमें FIR दर्ज होनी चाहिए उसके खिलाफ जो ऐसा कार्य करता है। कानून जानते हुए भी आप किसी की बेइज्जती कर रहे हैं, आप कानून के अकॉर्डिंग चल सकते हैं, आप कानून को उल्टा लेकर नहीं चल सकते। दूसरा, इसमें कोर्ट के पास पावर है, 156(3) में अगर कोई जाता है तो कोर्ट मुकदमा दर्ज कर सकता है इन इन सेक्शंस में अगर कोई ऐसा कार्य करता है तब। तो आपके पास भी इसमें पावर है दोस्तों, आप भी इसमें चुप नहीं बैठ सकते। अगर कोई कानून का रखवाला ही अगर कानून तोड़ता है, चाहे वो मैं हूं या कोई भी हो, तो ऐसे केसेस में कोर्ट के पास पावर है, 156(3) में आप कंप्लेंट फाइल कीजिए, कोर्ट जो है उसमें मुकदमा दर्ज कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो,
वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ दोस्तों एक यही है कि कानून की नजरों में हम सब बराबर हैं, चाहे वो लोक सेवक हों या पुलिस के हों, आदमी हों, वकील हों, जजेस हों, सब सबके सब कानून की नजरों में बराबर है। कानून सबको इतने ही राइट्स देता है जितने औरों को दिए हुए हैं, तो हम किसी की इस तरह से ना तो बेइज्जती कर सकते हैं और ना किसी के ऊपर फोर्स यूज कर सकते हैं बेवजह। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू।